जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मीन राशि के जातकों के लिए है कि बृहस्पति देव जो आपकी राशि के मालिक हैं वो अब केतु के नक्षत्र से निकलकर शुक्र के नक्षत्र यानी भरणी नक्षत्र में जाएंगे। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, यह घटना होगी 21 जून से लेकर 26 नवंबर के बीच में। इसमें सबसे पॉजिटिव स्थिति क्या है, सबसे पहली बात बृहस्पति अब केतु के नक्षत्र में नहीं रहेंगे, दूसरा वो राहु से दूर होते चले जाएंगे डिग्री गली, यानी राहु तो चलेंगे उल्टे, बृहस्पति चलेंगे सीधे। राहु जाएंगे अश्वनी नक्षत्र में और जो केतु ये जो बृहस्पति हैं ये शुक्र के नक्षत्र में चले जाएंगे, यानी राहु से धीरे धीरे डिग्री गली दूरी बनेगी, वहीं केतु के नक्षत्र से ये दूर हो जाएंगे। तो राहु और केतु का एक प्रभाव जो बृहस्पति पर अब तक था वो कहीं ना कहीं दूर होगा। और बृहस्पति कहलाते हैं फाइनेंस के कारक, अगर आपके पैसे के कारक ग्रह अगर पीड़ित चल रहा है तो वो आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम देता है। तो एक पॉजिटिव स्थिति यहाँ हमें उससे दिखाई दी है, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि के ही मालिक नहीं है, वो बृहस्पति आपके कर्म भाव के मालिक भी है, यानी आपके स्वास्थ्य को लेकर भी ये ग्रह प्रॉब्लम दे सकता है। पिछले समय में गुरु राहु के साथ केतु के नक्षत्र में बहुत से लोगों को हेल्थ के इश्यूज आए, कॉन्फिडेंस लेवल लो रहा, भ्रमित रहे, किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहे कि भी मेरे मन में भ्रम है, मेरे मन में भ्रमित स्थितियां होती दिखाई दे रही हैं, वो हमें यहाँ से दिखाई दे रही है। वो स्थिति भी आपकी अब पहले से पॉजिटिव हो जाएगी। प्रोफेशनली आपके लिए अच्छी स्थिति हो जाएगी कि मैं जिस काम में हाथ डाल रहा था उसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मुझे काम नहीं मिल रहा, मेरा काम रुक सा गया, मेरा काम बट सा गया, वो स्थिति आपके लिए कुछ पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि बृहस्पति अगर धन का कारक है तो शुक्र को भी कहीं ना कहीं फाइनेंस से जोड़ा गया है। अब ये भरणी नक्षत्र जो है भरण पोषण करने वाला नक्षत्र है, इसका मतलब ये भरणी जो ग्रह इसके नक्षत्र में जाएगा उसका भरण पोषण उसके कारकत्व में बेहतरी हो जाएगी। अब बृहस्पति फाइनेंस का प्रबल कारक है, उसके कारकत्व में वृद्धि यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, यानी कहीं ना कहीं गुरु का भरणी नक्षत्र में जाना एक और पॉजिटिव स्थिति को दिखाता है। अब भरणी नक्षत्र क्या है, जहाँ पर सुख है, साधन है, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित स्थितियाँ हैं, या जहाँ पर देखें आर्टिस्ट स्थितियाँ हैं, संगीत का माध्यम है, कला का माध्यम है, या ज्वेलरीज हैं, या किसी भी प्रकार की आर्टिस्टिक स्थितियाँ हैं, संगीत है, गायन है, ये सब इसी में आता है, अभिनय इसी के अंदर आता है, ये भरणी नक्षत्र के कारक हैं। सुंदरता है, फूल है, पौधे हैं, इत्र है, ज्वेलरीज हैं, महिलाओं से संबंधित स्थितियाँ हैं, गारमेंट्स हैं, तो जहाँ पर सुंदरता और आकर्षण दिखाई दे वहाँ पर भरणी नक्षत्र होता है। तो उस लिहाज से यदि आपकी मीन राशि है और आपका इनसे रिलेटेड कोई वर्क है जो मैंने आपको बताया, तो ये आपके लिए और ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। अब तीसरे घर का मालिक शुक्र है और बृहस्पति यहाँ तीसरे घर के नक्षत्र में आ गया, यानी जो लोग हाथों से संबंधित काम करते हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ब्यूटी पार्लर है, बुटीक के रिलेटेड काम कर रहे हो, हाथों से संबंधित कोई काम करते हो, नाटक जानते हो, अभिनय जानते हो, संगीत जानते हो, कला जानते हो, आर्टिस्ट हो, ज्वेलरी मेकिंग का काम करना जानते हो, तो भैया आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव हो गया। आपकी हिम्मत को, आपकी साहस को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी सोच को बढ़ाएगा। आप जिस तरफ दिमाग लगा रहे हैं वो स्थिति आपकी पहले के मुकाबले पॉजिटिव हो जाएगी। और गुरु धन भाव में है, शुभ ग्रह शुक्र के नक्षत्र में, यानी ये स्थिति फाइनेंस को बढ़ाएगी, ये स्थिति लाभ को बढ़ाएगी, यह स्थिति स्वास्थ्य को अच्छा करेगी, सम्मान गिरने नहीं देगी, एनर्जी लेवल को बढ़ा देगी, प्रोफेशनल लाइफ को शुभ कर देगी। अब शुक्र अष्टम भाव का मालिक है, अब आठवां घर किस चीज़ के लिए जाना जाता है, अगर आपका कोई रुका हुआ पैसा है, आपका पैसा कहीं फंस गया है, आपका पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद चल रहा है, आप चाहते हैं ससुराल पक्ष से मुझे किसी प्रकार का सहयोग या लाभ मिल जाए, तो वो सब चीज़ें यहाँ से आती हैं। हिडन कला, कोई स्थिति कला है आपके भीतर, कोई हुनर है वो छुपा हुआ है, किसी प्रकार की छुपी हुई स्थिति का आपके ऊपर असर होना, जैसे आपको लगे कि यार मेरे अंदर भी ये टैलेंट था, ये मुझे पता ही नहीं था, मैंने अब उसके लिए कोशिश की तो वो मेरा टैलेंट बढ़ता चला गया। फॉर एग्जांपल आपने इस दौरान आप मान लीजिए फेसबुक पे कोई पेज बना लिया, इंस्टा पे या यूट्यूब पे कोई पेज बना लिया, तो वो इस दौरान ग्रो करता दिखाई देगा, इस दौरान आपके भीतर आइडियाज आएंगे, वो स्थिति आपके लिए शुभ हो जाएगी। बृहस्पति अपने ही भाव को दृष्टि दे रहा है, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि ये समय प्रोफेशनली कहीं ना कहीं साउंड है, प्रोफेशनली आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो शुभ ग्रह के नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र से दूर, राहु से दूर हो जाएगा,
भले ही शनि की साढ़े साती आपकी राशि पर चल रही है, लेकिन फिर भी आपके लिए ये स्थिति कहीं ना कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यानी गुरु का शुक्र के भरणी नक्षत्र में जाना आपके लिए एक शुभ संकेत को लाता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ मैंने वो स्थिति आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर की है। जय श्री राम।